दोस्तों नमस्कार। आज हम मैं राजेश सोनी, बड़े भैया राकेश सोनी, आज हम बात करेंगे ऊँट पे जो गर्मी हो जाती है, ऊँट के जो सर्दी होती है तो उसमें जा कैसे निकाले जाते हैं, मस्ती कैसे करते हैं, सटे दांत कैसे निकाला जाता है। तो इन सब से मैं आप हम चर्चा करेंगे आज। तो हमारा YouTube चैनल सोनी स्टूडियो गोगा मेडी के नाम से है, तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। तो आज पूरी मस्ती दिखाएंगे ऊँटों में, जो आप सोच रहे हैं वो दिल और दिमाग में वो सब चीजें दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। ये केना बड़ा ये भाई की थोड़ी आवाज अकड़ा हुआ है तो थोड़ो हाँ नाम देखो, बेचारे का तकलीफ रहे भाई के शायद मुंह। चलो क्यों देखो राम राम कर रहा है, इनके जवान नहीं है शायद, सुनने में भी कमजोरी है, लेकिन देखो भगवान ने देखो फिर भी नाम नुम सबका मालिक एक। अच्छा ये देखो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी ये कह रहा है कि इस गोगा मेडी मेले के अंदर नंबर वन ऊंट है, यही है ना नंबर वन ऊंट बता रहा है। ये देखो ये क्या कर रहे है, ओ क्या कर रहे था, ओ गुल्ला काट रहा है, गुल्ला क्यों है, गुल्ला झाग झूठ 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 है, झूठ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो दोस्त तो आएंगे जगह झूठ आ रही है, थोड़ा थोड़ा जाग 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 है। हाँ ये सर्दी का महीना आता है ना, हाँ इसलिए वो बोलता है, बोलने से जाग आता नहीं। अच्छा अच्छा बोलता है। ऊंट जब बिक जाते हैं तो उनका निरीक्षण करती है कैसी चलती है। जब ऊंट बिकजे नहीं, जब लोग तसली करण खातर हल में चले गार्डन चले कौन चले, तो ए के ओके अभी इनकी तसली करेगा क्या, आप हल में चले कौन चले। हाँ। तो अब थे ओके लगा रहे होता हूँ, तंग लगा रही है बार तसली ना करो हल गाड़ी का। अब थे तो ओके बोलो इन्हें तंगड़े तंगड़े। अच्छा अभी बेरो पड़ जाओ के आ गैलरी की है काट की पीनणी बोले इनके पीनणी जे नहीं लगा तुम के बजे अड़ कौन चाले। आज देखांगा क्या टोटली अड़ चाले कौन चाले, आई बात है। और नए जे चाली तो पास कोनी अल्लाह चाली पास कोनी, सही बात। ठीक है ठीक है। ऊंटड़ा की तैयारी करने ला रही है, अड़ गए खतरे चाले कौन चाले, तो आप देखांगा सौदो भी कैंसिल हो उसके लिक्विड हो, आई बात है क्या, नए चाली तो अबे तैयारी करने ला रहे है ऊंट गए हल चलाने की नेक्स्ट बोले गए। अच्छा अभी देखा तो क्या चीज है वो पलाव है, पलाव। हाँ अब तैयारी कर डाक चलने लगी, चलाओ भाई डाक ने। हाँ देखो देखो ये चल रही है या नहीं चल रही है, इनसे किसानों से जानेंगे फिलहाल कैसा लग रहा है इनको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप देखांगा पूछांगा हड़ चल रहे मेरे एक नंबर की है, हड़ चल रही है कोई दिक्कत कौन देखो है। अब किसान और पूछांगा काबू को नहीं आने ला रही बैठवा तो है बहुत देखो देखो डेरे को हेज करी है डेरे को डेरे 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 को डेरे सांड पसंद है भाई के। अच्छा भैया एकदम हलाल में सही चले एकदम बिल्कुल सही। अच्छा तसली तो होगी सर है। अब कितने रुपये की सांड है, 40,000 की लेने वाला कौन है, ट्राई करी हो ठीक है ट्राई करके पसंद करके और ले लियो ठीक है। तो दोस्त गड्ढे कौन चले बेटा है ना, थोड़ी गड्ढे में थोड़ी नॉर्मल है। अच्छा अच्छा तो बैठो आप पहले यहाँ पर हल चल रहा है इवनिंग की ट्राई करी, अब सांड गाड़ी कौन चलना रही है, देखो किसान लोग है देखने ला रहे है, इन खड़ी करो। हाँ बच्ची भी बता छोटी बच्ची है देखो इन ट्राई भी करने ला रही है कि यहाँ चल रहा है कौन चल रहा है देखो। ऊंटनी है जो धोखो कर रखी है, अरे चढ़ाण को चला के दिखाओ इन्हें, चला के दिखाओ इन्हें। हाँ ऊंटनी धोखो कर रखी है, अरे बैठे सके अभी गेर भी सके मेरे सामने है। लगी तो कौन होगी, चलो ठीक है। तो दोस्तों ये जो ऊंटनी बिकी है बिल्कुल सही है, एकदम सही चालन लग रही है, अड़ गए अंदर है अटा की ट्रेनिंग हुए मेड़े गए लास्ट के अंदर है।
ये देखो ऊंटनी मस्ती करती हुई, मस्ती कर रही है, मजे ले रही है। ऊंट देखो, ऊंट की विशेषता बताओ भी, कितना नेस है वो? छठा नेस काटे है। कितना रुपया ऊंट है वो? 55,000 मांगो। कितना लग जाएगा? भाई कितना हुआ है? 48,000। अच्छा अच्छा ठीक है। थाल ऊंट जागा के चढ़ गयो, झूठ के हुआ है, ठंड में मस्ती करे। अच्छा ये देखो शानदार ऊंट, तो सारा हूँ अच्छी बात हालांकि के जितना भी ऊंट है वह की है कि झूठ करे जिया जाग लिया हुआ है तो बतावे है जिये अब सर्दी पड़े पीछे तब गर्मी को टाइम आयो है तो वो मस्ती करे ऊंट है तो बिंग वजह से की है कि जाग करे। ये दोस्तों ये देखो काले रंग का रखा है अपनी पहचान के लिए। देखो ये ऊंट ऊंटनी दोनों, इधर वाला ऊंट है ये ऊंटनी है। ओ गदनेली को एक झुंड आ रही है ऊंट काटो ले गए। ये ऊंटो की देखो ऊंट को बिठा रही है, तसल्ली कर रही है कि ऊंट बैठता है या नहीं बैठता है, क्या क्या विशेषता है इन सब की। कितने दांत है ये बताएंगे, कितने दांत है? ये देख रहे हैं कि कितने छट्टा है, दो है, कितना दांत है? छट्टा इनके मतलब है तो छट्टा को बंक जवान है, बंक जवान है, गबरू गबरू जवान है, नाक देखाएंगे। अच्छा छिवे कौन छिवे? अच्छा अच्छा आ बात है, तो थारा की पसंद आई है? ट्राई मार लो ठीक है। दोस्तों जैसे आदमी रोटी खाता है वैसे ये नीरा खा रही है, कितनी मस्ती के अंदर बैठे हुए आराम से, ऊपर छायादार पेड़ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो ऊंट नीरा खा रहा है, नीरा इसको नीरा बोलते हैं अपने। ये दोस्तों चाय उबल रही है, चाय बना रहे हो? कितना अच्छा लग रहा है, घर से ठीक चाय बनती है क्या? बढ़िया। किसो काम है तारो? चरणवासी फेपना चावड़ी ठीक बने गए ते भी नोपगट गाओ। तो दोस्तों चाय लगभग तैयार हो चुकी है, देखो कितनी उबाले मार रही है। बाहर की चाको कभी घर वाला सारा देखा जब दुखी हो जाएगा, तो गया। के धाप रहे थारो, ये देखो दूध डालते हुए फेरी चावड़ी चूड़ी ठीक बन जाए क्या? अच्छा ठीक है। बैठा हो चुको थे ऊंटनी ठीक है। यूट्यूब देख रहे सोनी स्टूडियो गोगा मीडिया वाला चैनल है, तो देखा सारा दिन, देखा साहब सारा दिन, और कोई काम है वही है फिर? बस वही काम है, ऊंट लिया रखे हैं, बिग बोग रहेगा, देख बोग रहा, चल बोग रहा, वही प्रोग्राम चला जी। ठीक है जी ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ ऊंटनी है जो की मस्ती मार रही है, देखो जका सोई करे नहीं बिना अपने देसी भाषा में करे। ये देखो ये चिंचड़ दुला रही है, ये क्या बोलते इसको, बबूल बगुला बोलते है। ये देखो कितनी मस्ती से ऊंटनी सोई हुई है, और ये इनके साथ वाले चाणवासी वाले है, इनका जो डेरा लगा हुआ है, ये ऊंटनी है। देखो ये ऊंटनी का दिल कर रहा है कि मेरी भी वीडियो बनाई जाए। देखो भाईडो क्या पीने लग रहे है, क्या चावड़ी ठीक लगे के? बहुत बढ़िया लगे, मेले की तो थे के पूछो भाई साहब, थे भी पियो थारे बना के दे। नहीं मैं तो सुनो मेलो ब्रिजी है, धन्यवाद है, अटे महेंद्र नाम एक सरपंच है, बना लग रही है। देखो क्या ठीक लगी है रोटी है, क्या खुद ही बना रहे रोटी राटी? देखो सब्जी सब्जी कहीं बनाई आज है? अच्छा ठीक है। आलू मटर तो वो को भी है के? ठीक है ठीक है, पी लो पी लो। तो ऊंट दो अंगो शायद बिकियो को नहीं, कितना रुपया मांगा बैठाएगा ऊंट का? 45,000 रुपया। फिर कितना रुपया दम गया? 45,000। 45,000 ठीक है। वो के करना रहे हो? यो गल्लू करता है। गल्लू क्यों है भाई? झूठ करे है। यो के मतलब है? तड़ो चामड़ी फूल लेंगे। अच्छा क्या और कोई विशेष है? विशेष हो ये है कि साले बिना मस्ती करे हो। मस्ती करे ठीक है ठीक है। ऊंट तो शुद्ध ही है, ऊंट जमा के ऊपर को है। अच्छा ठीक है। ऊंट शानदार ऊंट आए हुए है,
बहुत ही जबरदस्त। ये देखो मस्ती कर रहे हैं ऊंट, मस्ती बोले तो मस्ती। अच्छा ये ऊंट जागा चढ़े हुआ है, तो थारो है बैठा ऊंट के? हां मारो है भाई जी। किसे काम हुआ है? सानी बड़ी हूं। सानी बड़ी बादरा तहसील? बादरा तहसील। ठीक है ठीक है। कितना साल हुआ छोरा? ये 2 साल का। 2 साल का? हां नस्ल किसी है? बाट मेरी। हां अच्छा फ्रेम करे दूंगे टोल्डी है ऊंटड़ो तो ऊंटी है ऊंट है बड़ा खड़ा बच्ची हुई है तो अच्छा को नहीं हो तेरे कन्ना जे गयो दिखा जाना गेल रहे हो खावा कोई कौन करे तेरे ऐज करे जब ये दोस्तों जब ऊंट बिक जाता है ना तो इसको बजाया जाता है देखते हैं देखा जाता है जो किसान लोग आपस में देखते हैं इसकी चाल कैसी है लगड़ाता है या अकड़ाता तो नहीं है तो ये होता है इसका सिस्टम ऊंट से ढंग से चलता है या नहीं चलता है ये बिल्कुल ओके ऊंट है। किसो का मैं तो नाम नहीं ठाणो के नाम है थारो नौरंग नौरंग अच्छा ऊंट लेना है हो गए किसो तो साथ हो गए ना हो गए कर लो ये दोस्तों ये ऊंट भैया ने ऊंट खरीदा है हमारे कुछ भाई लोग खड़े हुए हमारे साथ इन सबसे भी मिलाएंगे ओके दोस्तों ये अपने हमारे फीचर है उनसे भी मिलाएंगे। दोस्तों आज मैं कुछ ऊंट की जो कुछ खास बातें होती है उनके बारे में मैं आज विशेष रूप से बताऊंगा तो आज आपको शायद अच्छा लगेगा बहुत ही प्यारा जो ऊंटों के विशेष से क्या क्या उनकी विशेषता होती है वो सब चीज़ें मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। ये देखिए ऊंट आज कुछ बातें बताऊंगा मैं ऊंट के बारे में शायद आपको बहुत ही प्यारी लगेगी। ये ऊंट है खाएगी क्या? अरे रे क्यों कर रहे हो? ये क्या कर रहा है भाई? ये झूठ कर रहा है ना? ये झूठ करता है तो कुछ और बातें भी बताऊंगा मैं इनके बारे में। ये देखो खाएगी क्या ये? इतनी शर्मा बादलों जैसी गर्जना कर रहा है। ये जो किसान भैया है खाना खा रहे है ऊंट को बहुत बहुत जबरदस्त गुस्सा है। ये देखिए ये ऊंट नीरा खा रहा है गोगा जी मंदिर के बिल्कुल सामने दक्षिण गेट के सामने झुगी झोंपड़ियां लगी हुई है इनकी। ये ऊंट बिक्री के लिए भैया ये उबाली निकालता हुआ अरे रे खाएगा ये बहुत ही शानदार ऊंट है देखिए रंग भी लगा रखा है इन्होंने अपनी पहचान के लिए काफी ऊंट यहाँ पे आई हुई है। तो जब ये गोगा जी का मेला भरता है ना ऊंटों का वो मेला तो लगभग एंड हो चुका है यहाँ पे कुछ झुगी झोंपड़ियां वाले आए हुए है मतलब बेचने के लिए। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये गोगा जी का मंदिर है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की गोगामेडी गांव में पड़ता है। गोगा जी और गोरखनाथ जी का काफ़ी शानदार मंदिर है कभी भी आओ तो आप इनके दर्शन जरूर करना। ये ऊंट तो लगभग मेला तो संपूर्ण हो चुका है दोस्तों फिर भी कुछ यहाँ पे ऊँटे आज भी यहाँ पे खड़े हैं देखो झुंड के अंदर। ये सामने गोगा जी का मंदिर है बहुत ही शानदार तरीके से देखिए फिर भी हमारी कोशिश रही थी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना लाइक करना। देखिए हेलो बच्चे कैसे हो ये ऊंट आज भी खड़े हैं देखिए अपनी मस्ती के अंदर मौज मस्ती कर रहे हैं। ये जो ऊंटनी दांत ऊपर वाले तो दो ही होते हैं शायद प्रेमी है तो आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ये अभी दूध निकाल रही है सिरोही नस्ल की है कितना दूध हो जाता है भैया इसके हो जाता है किलो डेढ़ किलो। अच्छा अच्छा किलो डेढ़ किलो ये वैसे क्या काम आते हैं डेंगू के अंदर भी काम आता है इसका बठा सब चीज के अंदर काम आता है इसका दूध। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है आप भी पीते हैं इनका दूध आप भी पीते हैं। ऊंट को गुस्सा आ रहा है
इतना गुस्सा, देखिए पाइप को भी खा रहा है, इसे आदमी को खा जाता है। आदमी को खा जाता है ये ऊंट गुगा मेडी के अंदर आए हुए हैं। देखिए अभी झुंड है इनका, काफी ऊंट अच्छे लगे हुए हैं। हेलो, ये भी ऊंट अपनी मस्ती के अंदर खड़ा है, काफी सुंदर है, अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। ये ऊंट है देखो कितने अच्छे कलर की हुई है ऊंटों पे। ये ऊंट को कितने सुंदर ऊंट लगी हुई है।